एक इबादत सिर्फ नमाज पढ़ने वालों से हम कहना चाहता हूँ, एक इबादत सिर्फ नमाज पढ़ने वालों से मैं कहना चाहता हूँ, एक इबादत सिर्फ नमाज पढ़ने वालों चाहे हमारे गांव का लोग क्यों ना हो, एक इबादत सिर्फ नमाज पढ़ने वालों चाहे हमारे खानदान के लोग क्यों ना हो, एक इबादत सिर्फ नमाज पढ़ने वालों चाहे हमारे भाई क्यों ना हो। कोई भी एक ऐसा चीज नहीं है जो एक किस्म चीज से कोई चीज उपलब्ध होते हैं, कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो एक किस्म चीज से कोई चीज को बनाकर उस चीज से काम ले सकते हैं। तो फिर एक इबादत सिर्फ नमाज पढ़ के सिर्फ नमाज के सवाब से हम जन्नत को कैसे पकड़ सकते हैं, सिर्फ नमाज के सवाब से हम जन्नत को कैसे हासिल कर सकते हैं, सिर्फ नमाज के सवाब से हम कामयाब कैसे हो सकते हैं। बस आप सिर्फ इस वीडियो को कुछ देर तक देखें, उसके बाद समझ में आएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وصوى الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما। तमाम तारीफ उस अल्लाह रब्बिल आलमीन के लिए है जिन्होंने हमें और आपको पैदा किया और पैदा करने के बाद यूं ही बेकार नहीं छोड़ा, बल्कि राह जलालत से हटाकर राह मुस्तकीम पर लाने के लिए बहुत से नबी और रसूल भेजे गए और उनमें से हमारी आखिरी कड़ी, आखिरी लीडर, आखिरी नबी अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि व सल्लम बारिक अलैहि। आज के इस वीडियो में
कुरान के अंदर से एक छोटी सी आयत तिलावत की है, उस आयत को आपके सामने रखना चाहता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि इलाहल आलमीन हम सबको कहने वालों को भी और सुनने वालों को भी अमल की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। आमीन। हमने आयत यही पढ़ी थी कि वमा खलक्तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून। इस आयत के अंदर अल्लाह तबरक व ताला ने फरमाया और हमने पैदा किया जिन और इंसान को सिर्फ इसलिए कि वह मेरी इबादत बंदगी करे और फरमा बरदारी करे। इस आयत से हमें पता चलता है सिर्फ नमाज पढ़ने से और रमजान के महीने में रोजा रखने से हम कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन आज हम क्या करते हैं, सिर्फ नमाज पढ़ लिया और रमजान के महीने में रोजा रख लिया और अपने आप को बहुत बड़ा पक्का सच्चा मुसलमान समझते हैं, लेकिन सिर्फ नमाज पढ़ने से और रोजा रखने से हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। सिर्फ नमाज पढ़ के हम जन्नत को हासिल नहीं कर सकते हैं, सिर्फ नमाज पढ़ने से हम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते हैं। जब तक की पूरी इबादत ना कर ले। हम नमाज पढ़ते हैं और हमारे माल जारी पे निसाब तक पहुंच रही है और हम ज़कात नहीं निकल रहे हैं तो हम भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। हमारे पास दौलत है, हमारे पास माल है, हमारे पास हज करने की ताकत है, अगर हम हज ना करें तो हम भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। आपके अंदर निकाह करने की ताकत है, आपके अंदर शादी करने की ताकत है, अपनी बीबी का हक अदा कर सकते हैं, अपने बीबी बच्चों को अपनी कमाई से रोजी दिला सकते हैं। ये एक इबादत है और इस इबादत को अगर आप ना करते हैं तो आप भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। आप दूसरों को गीबत करते हैं, दूसरों का चुगलखोरी करते हैं, आप झूठ बोलते हैं और आप सूदी कारोबार से नहीं बचते हैं और एक दो बच्चे लेने के बाद अपनी बीबी का नसबंदी करा लेते हैं और आप चाहते हैं कि बहुत आसानी से जिंदगी गुजारे, ऐसो आराम से जिंदगी गुजारे एक दो बच्चे लेने के बाद। ये सब गुनाह है और ये गुनाहों से अगर आप अपने आप को नहीं बचाते हैं तो आप भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। हमें मालूम है कि इबादत में से सबसे अफजल इबादत नमाज है, लेकिन फिर भी सिर्फ नमाज
से नमाज पढ़ने से हम कामयाब नहीं हो सकते, आपको इस तरह समझ में नहीं आएगा। चलिए मैं आपको दुनिया के एक मिसाल से समझाना चाहता हूं, बस आप सिर्फ इस वीडियो को कुछ देर तक देखें, उसके बाद समझ में आएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। मैं उम्मीद ये भी करता हूं कि आज के इस वीडियो में कुछ ना कुछ बुराई काम से, बुरी काम से आप बाज आ जाएं। दुनिया के इंसान जो कुछ भी बनाता है, दुनिया के इंसान जो कुछ भी उपलब्ध करते हैं, कोई भी एक ऐसा चीज नहीं है जो एक किस्म चीज से कोई चीज बनता है। कोई भी ऐसा एक चीज नहीं है जो एक किस्म चीज से कोई चीज बनाकर उस चीज से काम ले सकते हैं। आप साइकिलें बनाते हैं और उस साइकिल में सबसे ज्यादा उसके चक्के में काम आता है। अगर आप कहते हैं कि सबसे ज्यादा इस चक्के में काम आता है तो और बाकी चीजों की क्या जरूरत। और आपने दो को चक्का लिया और चक्का को खड़ा कर दिया और बैठ गए और आप साइकिल समझ के उसको चलाएं, तो क्या आप चला सकते हैं? नहीं। जब तक कि उसमें जितनी चीज की जरूरत है उतनी चीज उस पर अगर आप नहीं लगाते हैं तब तक वो आपका साइकिल नहीं बनता है। आप मकान बनाते हैं और मकान में सबसे ज्यादा सीमेंट में काम आता है। मकान में पांच चीजों का जरूरत पड़ता है और पांच चीज क्या है? ईटा, गिट्टी, बालू, रड, सीमेंट। और इन पांच चीजों पर, पांच चीजों से सबसे ज्यादा सीमेंट में काम आता है। अगर आप कहेंगे कि सबसे ज्यादा इसी सीमेंट में काम आता है, इसी सीमेंट से ज्वाइंट लेता है, तो और बाकी चीजों की क्या जरूरत। तो अगर आप सिर्फ सीमेंट से मकान बनाते हैं तो फिर भी आपका मकान नहीं बनने वाला है। आप जमीन में फसल बोते हैं और उसमें सबसे ज्यादा बीज में काम आता है। अगर आप कहेंगे कि सबसे ज्यादा इसी बीज में काम आता है तो और बाकी चीज की क्या जरूरत। और आप सिर्फ सूखी हुई मिट्टी पर बीज डाल देते हैं तो आपकी फसल नहीं होने वाला है। जब तक कि उसमें जितना चीज की जरूरत है उतना चीज अगर आप नहीं देते हैं, खाद पानी वगैरह, तब तक आपकी फसल नहीं होने वाला। आपके हाथ में पांच उंगलियां हैं और इन पांच उंगलियों में से सबसे ज्यादा ए वाली उंगली में काम ज्यादा करते हैं, काम ज्यादा आता है। अगर आप कहेंगे कि सबसे ज्यादा इसी उंगली में काम आता है और किसी चीज को अगर पकड़ना चाहेंगे तो आप पकड़ नहीं सकते। हमें मालूम है कि सबसे ज्यादा इस उंगली में काम आता है, लेकिन फिर भी एक उंगली से अगर कोई चीज पकड़ना चाहे तो पकड़ नहीं सकते हैं।
जब तक कि पांचों उंगली से कोई चीज को ना पकड़े तब तक मजबूती से पकड़ नहीं सकते हैं। मेरे भाइयों गौर करो, आप एक किस्म चीज से आप साइकिल बनाना चाहते हैं, साइकिल बनाते हैं और उस साइकिल में सबसे ज्यादा चक्के भी काम आता है, फिर भी उसी साइकिल उसी चक्के से अगर आप साइकिल बनाते हैं तो साइकिल दही बनता है। जब तक कि उसमें पूरी की पूरी चीज लगा ना दे, हैंडल पैटिल फ्रेम वगैरह बहुत जितने भी किस्म की चीज की जरूरत है उसमें सारे की सारे चीज जब तक ना दे तब तक उस साइकिल बनकर तैयार नहीं होता है। आप मकान बनाते हैं, उस मकान में सबसे ज्यादा सीमेंट में काम आता है, फिर भी उसी सीमेंट से मकान बनाना चाहते हैं, हम उसी सीमेंट से मकान बना लेते हैं तो मेरा मकान फट जाने के डर है, मेरा मकान टूट जाने के डर है, मेरा मकान गिर जाने के डर है। हम सिर्फ सीमेंट से हम मकान हमारा नहीं बनता है। आप जमीन पे फसल बोते हैं, उस जमीन में सबसे ज्यादा बीच में काम आता है, फिर भी उसी बीच पर अगर उसी बीच को सूखी हुई मिट्टी पर अगर डाल देते हैं और खाद पानी वगैरह और कुछ ना देते हैं तो मेरा फसल नहीं होता है। आपके हाथों में पांच उंगली है और इस पांच उंगली में से सबसे ज्यादा इस उंगली में काम आता है, फिर भी इसी उंगली से अगर कुछ पकड़ना चाहते हैं तो एक उंगली से हम नहीं पकड़ सकते हैं। हमें मालूम है कि एक इस ये वाली उंगली में काम ज्यादा करते हैं, फिर भी उसी उंगली से हम अगर पकड़ना चाहते हैं तो पकड़ नहीं सकते हैं। सिर्फ नमाज पढ़ने वालों, सिर्फ नमाज पढ़ने वालों और बाकी इबादत तो छोड़ने वालों, एक इबादत सिर्फ नमाज पढ़ने वालों से हम कहना चाहता हूँ, एक इबादत सिर्फ नमाज पढ़ने वालों से हम मैं कहना चाहता हूँ, एक इबादत सिर्फ नमाज पढ़ने वालों चाहे हमारे गांव का लोग क्यों ना हो, एक इबादत सिर्फ नमाज पढ़ने वालों चाहे हमारे खानदान के लोग क्यों ना हो, एक इबादत सिर्फ नमाज पढ़ने वालों चाहे हमारे भाई क्यों ना हो, एक इबादत सिर्फ नमाज पढ़ने वालों चाहे हमारे बाप क्यों ना हो, एक इबादत सिर्फ नमाज पढ़ने वालों चाहे हम क्यों ना हो, एक इबादत सिर्फ नमाज पढ़ने वालों और बाकी इबादत तो छोड़ने वालों से मैं कहना चाहता हूँ, एक इबादत सिर्फ नमाज पढ़ने वालों और बाकी इबादत छोड़ने वालों से हम कहना चाहता हूँ कि दुनिया के इतने सारे चीज बनाते हैं तो कोई भी एक ऐसा चीज नहीं है जो एक किस्म चीज से कोई चीज बनता हो, कोई भी एक ऐसा चीज नहीं है जो एक किस्म चीज से कोई चीज उपलब्ध होते हैं, कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो एक किस्म चीज से कोई चीज को बनाकर उस चीज से काम ले सकते हैं। तो फिर एक इबादत सिर्फ नमाज पढ़ के सिर्फ नमाज के सवाब से हम जन्नत को कैसे पकड़ सकते हैं, सिर्फ नमाज के सवाब से हम जन्नत को कैसे हासिल कर सकते हैं, सिर्फ नमाज के सवाब से हम कामयाब कैसे हो सकते हैं। और जो लोग सारे के सारे इबादत करता है सिर्फ नमाज नहीं पढ़ता है, नमाज को छोड़ देता है, बाकी इबादत पूरे के पूरे इबादत करता है, हज कर लेता है और वो ज़कात देता है, रोजा रखता है, सारे के सारे इबादत करता है, सिर्फ नमाज छोड़ देता है, उसको भी इसी मिसाल से समझाना चाहता हूँ। अगर आप साइकिल बनाते हैं और उस साइकिल में पूरे के पूरे सामान देते, हैंडल पैडल फ्रेम
जितने किस्म की चीज है सारे के सारे चीज दे दे और सिर्फ चक्का ना दे तो आपका साइकिल नहीं बनने वाला है। आप मकान बनाते हैं, उस मकान में सारे के सारे चीज दे दे, ईटा बालू गिट्टी रड, सिर्फ सीमेंट ना दे तो आपके मकान नहीं बनने वाला है। आप जमीन में फसल बोते हैं, खाद पानी वगैरह सब कुछ मेहनत करने के बाद अगर बीज ना दे तो आपके फसल नहीं होने वाला है। आपके हाथ में 5 उंगलियां है और इस उंगली से अगर आप इस उंगली के अगर आपके ना रहे और इस 4 उंगली से कोई चीज पकड़ना चाहे तो आप सही से पकड़ नहीं सकते हैं। जिस तरह इतना सारी किस्म इतना सारी चीज एक किस्म चीज सारी चीज देने की बात और जो सबसे ज्यादा काम की चीज एक चीज को अगर ना दे तो समान भी नहीं बनता है। वैसा कोई चीज नहीं है जो उस सारे चीज देने के बाद एक समान छोड़ दे तो वो भी कामयाब नहीं हो सकता है, वो चीज भी नहीं बनता है और उस चीज से भी काम नहीं ले सकते हैं। उसी तरह सारे के सारे इबादत करने के बाद अगर नमाज छोड़ दे तो वो भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो मेरे भाइयों, हम सिर्फ नमाज पढ़ के कामयाब नहीं हो सकते हैं, नमाज के साथ साथ जितना भी इबादत करने को कहा है हमें पूरे की पूरे इबादत करना पड़ेगा, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि अच्छे काम करते हैं, दीनदार है, सब कुछ है, रमज़ान में रोज़ा भी रखता है और ज़कात भी देता है और हलाल कमाई करता है, हलाल तरीके से कमाता है, वो बुराई काम नहीं करता है, सूद ब्याज भी नहीं करता है, वो हर इबादत अल्लाह की बात को मानता है, अल्लाह के रसूल की बात मानता है और वो सिर्फ नमाज नहीं पढ़ता है, तो उसको भी इसी मिसाल से मैं उनको समझाने की कोशिश की। और जो एक इबादत सिर्फ नमाज पढ़ता है और बाकी इबादत छोड़ देता है और दुनिया में चाहता है जिस तरह मन आता है उसी तरह चलता है, किसी से कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने कुछ समझाने की कोशिश की। अगर हमने इस जितना भी बातें बताए उस पर अगर वो बात सही बताए तो अल्लाह की तरफ से और गलत बताए तो मेरी तरफ से, और मुझे छोटे भाई समझ के माफ़ कर देना। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इलाहल आलमीन हम सबको नमाज पढ़ने के साथ साथ पूरे की पूरी इबादत करने की तौफीक अता फरमा, और जो लोग सिर्फ जो लोग सारे के सारे इबादत करता है और नमाज नहीं पढ़ता है उसको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा, हम सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा, आमीन। मैं यहीं से अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ एक शेर के साथ कि पढ़ नमाज पंज गाना ना कर कोई बहाना, पढ़ नमाज पंज गाना ना कर कोई बहाना, है तेरे इसमें जन्नत वरना दोजख तेरा ठिकाना। वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।